हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री। एक 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर टू देखा था, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स बाय एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है, लेकिन एक्सपैंड करना होगा रो वन को। अब फर्स्ट रो क्या होती है, इस ए पार्ट के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 2, 5, -3। तो ये है हमारी फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, सबसे पहले आपने रो वन के लिए एक्सपैंड करना है, तो रो वन के साइन असाइन करेंगे। साइन कैसे असाइन करने होंगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव एंड तीसरा पॉजिटिव। हमने देखा था पिछली वीडियो में अपनी कि कैसे ये साइन असाइन करने होते हैं। इस एलिमेंट का एड्रेस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो 1, 1 होगा। 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2। 2 एक इवन नंबर है, इवन के लिए पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे। फिर ऐसे ही सेकेंड नंबर के लिए ये होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 3। ऑड नंबर के लिए नेगेटिव साइन असाइन होगा। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है, तो इवन के लिए पॉजिटिव साइन। फर्स्ट रो के लिए साइन असाइन करने के बाद अब आपने हाइट करना है उन एलिमेंट्स को। 2 एलिमेंट लिखेंगे, देन अब हाइट कीजिए फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो एलिमेंट्स हमें मिले -1, 6, 5 एंड 2। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, ऐसे ही -5 के लिए भी और +3 के लिए भी एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। अब इसके बाद आपने इस 2x2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, साइन असाइन कीजिए पहले, देन -1 की इनटू होगी पहले 2 के साथ, देन -5 × 6। ऐसे ही बाकी डिटरमिनेंट को भी एक्सपैंड कर लेंगे। वैल्यूज हमारे पास आई -2, -30, 8, 15, 24 एंड ये -+ हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगी वैल्यू। ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई है -110। तो अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में सबसे पहले रो वन के लिए साइन असाइन कर देंगे, देन उसको एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपैंड करने के बाद एक्सपैंड कैसे करेंगे, ए एलिमेंट के लिए उसके रो एंड कॉलम हाइट करेंगे तो ये एलिमेंट्स आए। ऐसे ही 0 एलिमेंट के लिए और 1 के लिए, तो ये एलिमेंट्स डिटरमिनेंट फॉर्म में आने के बाद इनको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आई ABC। ABC कैसे आई, यहाँ B × C हुआ, क्योंकि ये B × C -0 × 0 0 ही होगा। देन ये 0 है तो ये डिटरमिनेंट पूरा हट जाएगा, इसकी वैल्यू पूरी 0 ही आएगी। इसके लिए 0 × 0 देन -B × 1, तो यहाँ से वैल्यू हुई माइनस का B और यहाँ वैल्यू हुई ABC, क्योंकि A की मल्टीप्लाई हो जाएगी BC के साथ। तो हमारे पास आया ABC - B, तो ये हमारे पास आंसर आया बी पार्ट का। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में ये डिटरमिनेंट है, साइन असाइन करेंगे, देन उसके बाद डिटरमिनेंट्स को लिख लेंगे। अब वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 - 3 × 4, ऐसे ही वाई और जेड के डिटरमिनेंट के लिए भी। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यूज आई है एक्स, 18 - 12, 6 - 6, 4 - 6। तो ये हो गया 18 - 12, 6x - y, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा वैल्यू y की। देन ये 4 - 6, तो यहाँ पर आएगी 2, लेकिन साइन ग्रेटर का होगा क्योंकि 6 के आगे माइनस साइन, तो माइनस का 2। देन वैल्यू हमारे पास आई -2z। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो गया 6x - 2z। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में ये डिटरमिनेंट है, असाइन कर लेंगे साइन, देन उसके बाद एक्सपैंड करेंगे, तो
तो इसके लिए रो एंड कॉलम हाइड करके वैल्यूज आई बी सी सी ए और ए बी, तो डिटर्मिनेंट में बाकियों के लिए भी लिख लेंगे। अब वैल्यू सॉल्व कीजिए तो बी इंटू ए बी माइनस सी इंटू सी ए, ऐसे ही इसके लिए भी। अब यहां पर देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बी इंटू ए बी, बी दो बार है तो इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं और ये a, तो ए बी स्क्वायर हो गया एज इट इज, इसके लिए भी ए सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, इन्हें आगे सॉल्व करते हैं। देन इसके बाद आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना होगा, वन की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे के साथ तो यही आएगा, देन a ए बी, तो ये ए स्क्वायर बी हो गया। देन आगे ये माइनस a है तो इसके लिए तो नेगेटिव हो जाएगा साइन, इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये भी हो जाएगा सी ए स्क्वायर। अब इसके लिए बी सी स्क्वायर हो जाएगा ये, देन माइनस बी स्क्वायर सी। अब इनको देखते हैं कौन कौन कैंसिल आउट हो सकते हैं या अगर नहीं हो सकते हैं तो हम किस में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट तभी होता है जब वो सेम है और उनके साइन अपोजिट है। ए बी स्क्वायर यहाँ तो है लेकिन कहीं और ए बी स्क्वायर नहीं है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या कॉमन हम ले सकते हैं। ए बी वालों को, ए बी वाले टर्म्स को हम ए बी के साथ लिख लेंगे, तो ये ए बी है इसको इधर ले आएंगे एंड इस ए सी वालों को इसके साथ लिख लेंगे, ये बी सी वाले तो साथ में है ही, तो ये हमने इनका इंटरचेंज इनका प्लेस बदल लिया है। इसके बाद यहाँ से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसके पास भी ए बी है, इसके पास भी ए बी है, इसमें से हमने ए बी निकाला तो यहाँ पर एक ए तो निकल गया और एक बी निकल गया, ए तो नहीं बचा यहाँ पे बी रह गया एज इट इज। इसके लिए भी ए बी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे दो ए है, यहाँ पे एक ए बच जाएगा, बी तो बाहर आ गया एज इट इज। आपने इनके लिए भी ऐसे ही करना है, ए सी कॉमन लेंगे तो ए तो बाहर आ गया, सी दो थे तो एक यहाँ है और एक यहाँ अंदर रहेगा। अब इसमें आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, अगर हम कोई भी टर्म कॉमन लेते हैं, यहाँ साइन अगर आगे माइनस होगा किसी भी टर्म के तो आपने अंदर वालों के साइन बदल लेने हैं। जैसे हम इसको ओपन करके साइन चेंज करते थे, ऐसे ही कॉमन लेने पर भी आपने साइन बदलने होंगे। तो ये हो गया सी, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये ए। अब इसके लिए तो कोई यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है तो इनके साइन ऐसे ही रहेंगे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं, ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने ऐसे जिनका ऑर्डर 3/3 होगा उनका डिटर्मिनेंट्स ऐसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको कहा गया है कि उसको रो वन के लिए एक्सपैंड कीजिए, अगर नहीं कहा गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।